अस्सलाम वालेकुम, हरीज मोहम्मद सदर खान और आप देख रहे हैं सदर खान टीवी चैनल। जी हाँ, आज हम करने जा रहे हैं कंजक्शन, काइंड ऑफ कंजक्शन, और इसमें हम अच्छे तरीके से यानी कि इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंजक्शन देखेंगे और कंजक्शन की डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद हम जो है उसकी काइंड देखेंगे, वो कितनी काइंड हैं और कौन कौन सी हैं। तो उसके बाद फिर हम उसकी डेफिनेशन यानी कि कंजक्शन, काइंड ऑफ कंजक्शन की डेफिनेशन और अच्छे तरीके से हम उसकी एग्जांपल देख लेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और करते हैं स्टार्ट। जी लेट यू कैन सी हियर, सबसे पहले हमारा क्या है जी, यहाँ पे हम सबसे पहले यानी कि हमारा जो टॉपिक है वो कंजक्शन है। तो कंजक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ऐड वन वर्ड टू अनदर वर्ड, यानी कि इसमें एक वर्ड जो है दूसरे वर्ड को जब मिलाने के लिए यूज किया जाता है तो दैट्स कॉल्ड कंजक्शन। या फिर हमारा क्या है, अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ऐड सम वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडजेक्ट एन कंजक्शन। इट मीन्स यानी कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ मिलाने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो कंजक्शन कहलाता है, या फिर एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ मिलाने के लिए जो यूज होता है उसको भी सेम लाइक दिस हम कंजक्शन ही कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम, लेट यू कैन सी हियर, इसमें हमारी यानी कि जो काइंड है, काइंड ऑफ कंजक्शन है वो क्या है, देयर आर टू काइंड ऑफ कंजक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजक्शन, टू, विच वन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड नेक्स्ट वन इज अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जी कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेट में हम देख लेते हैं, अ वर्ड विच इज यूज्ड टू जॉइन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ इक्वल, कोऑर्डिनेट यानी कि इनटू में एज अ इक्वल मैंने रैंक बात की है, यानी कि जिसमें अ वर्ड जो कि ऐसे अल्फाज जो क्या करे सेम इक्वल साइज के जो अपना सेंटेंसेज होते हैं उनको आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, यानी कि बराबर वो होते हैं, बराबर पावर के होते हैं, तो इसलिए वो कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, आपस में बाहर मिलाप कर लेते हैं। ये इसकी एग्जांपल क्या है, ही केम हियर एंड ही मेट मी। अब याद रखिए ही केम हियर थ्री वर्ड है और सेम लाइक दिस ही मेट मी, सेम लाइक दिस इट्स आल्सो थ्री वर्ड्स। जी तो नेक्स्ट क्या है, ही केम टू सी मी बट आई वॉज नॉट एट होम, वो क्या मुझे मिलने के लिए आया लेकिन मैं घर पर नहीं था। तो हियर आर सम मोर एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन विच आर कमिंग एज अंडर एज लाइक एंड बोथ आल्सो टू एज वेल एज नो लेस देन नॉट ओनली बट नाउ वेल इधर आर नीदर नॉट अदरवाइज एल्स बट स्टिल yet nevertheless however whereas while only therefore then so then far। तो नेक्स्ट इसकी कंडीशन जो है वो हम देख लेते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, अ वर्ड विच इज यूज टू जॉइन अ सब ऑर्डिनेटिंग आर डिपेंडेंट क्लास टू अ प्रिंसिपल क्लास ऑफ हायर रैंक, यानी कि जो है ये क्या कहते हैं, अ वर्ड विच इज यूज्ड, एक वर्ड जो कि इस्तेमाल किया जाता है टू जॉइन अ सब ऑर्डिनेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है आर डिपेंडेंट क्लास टू अ प्रिंसिपल क्लास, यानी कि एक जो डिपेंड किया जाता है, एक प्रिंसिपल क्लास होता है, एक मिड में हमारा जो है वो कंजक्शन आ जाता है और फाइनली जो है हमारा डिपेंडेंट या सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। तो इसको हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट यू कैन सी, इट्स अ सिंपल एग्जाम्पल, आई विल दैट बुक, जी आई विल दैट बुक इफ यू एडवाइस मी, यानी कि मैं वो बुक तब लूंगा जब आई विल बाय दैट बुक इफ यू एडवाइस मी, अगर आप मुझे नसीहत करेंगे तो तब मैं वो बुक लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। तो ये है एक सिंपल सा यानी कि हमारा मेथड। तो उसके बाद हम यानी कि ये देख लेते हैं नेक्स्ट, देर आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन विच आर फॉलोइंग एज अंडर।
which are falling as under that, because since as, so that, in order that, least, if, unless, as, if, whatever, though, however, not, withstanding, as much as, no less than, as far as, according as, while, as soon, as after, since, so long as. जी ये है हमारी जो है काइंड ऑफ सबऑर्डिनेटिंग है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट कोटेशन है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, इट्स माय कॉन्टैक्ट नंबर एंड नेक्स्ट इट्स अ कोटेशन, लाइफ इज लाइक अ फोटोग्राफी विच नीड्स द डुप्लीकेट फॉर डेवलप। जी जिंदगी में क्या करना है, जिंदगी एक फोटोग्राफी की मानद है जिसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट के लिए, तरक्की करने के लिए या कुछ बढ़ाने के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए हमें नेगेटिव की ज़रूरत होती है, ओल्ड थिंग्स की ज़रूरत होती है, ओल्ड एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि आने वाले वीडियोस में हम, यानी कि जो है आपके लिए आपके रेलेवेंट जो लेक्चर्स हैं वो लेके आए, ताकि आपका ज़्यादा मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।